हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने एक यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। 47 वर्षीय प्रतिभाशाली बॉलीवुड स्टार को कोविड-19 महामारी के दौरान अपने प्रेरक परोपकारिक कार्यों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को उनके घर लौटने में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है। कनाडा के यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार, कॉमेडियन और टीवी शख्सियत लिली सिंह ने अपनी पैथ ब्रेकिंग जर्नी, शानदार आउटपुट और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वो भी ऐसे समय में जब उनके उसकी आवश्यकता थी के लिए दूसरे स्थान हासिल किया है। भारतीय गायक अरमान मलिक अपने बेहतर संगीत के लिए पाँचवें स्थान पर रखा गया, जिसमें अंग्रेजी भाषा के गाने भी शामिल हैं। छठे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा जोनास दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भारतीय स्टार बनी हुई हैं, जबकि बाकी सीट्स 10 में पैन इंडिया स्टार प्रभास सेवन सातवें नंबर पर हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं सोनू सूद और ये हैं प्रियंका चोपड़ा जोनास, और सेकंड नंबर पर हैं लिली सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर को। हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पहाड़ों के संरक्षण और उसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका और जीवन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए लोगों को शिक्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य ने हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले दर्ज करने के बाद एक नया टीकाकरण अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की जयपुर रेंज में 2 हाथी मृत पाए गए। ये हाथी बेसिलस एंथ्रेक्स के कारण होने वाली एक जूनोटिक बीमारी एंथ्रेक्स के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। इस घटना के कारण राज्य के वन विभाग ने तत्काल टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अब 5 किलोमीटर के दायरे में सभी पशुओं और मवेशियों को टीका लगाया जाएगा। चलिए आपको डिटेल्स में असम राज्य के बारे में बताते हैं। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। कैपिटल दिसपुर फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदोलई जी। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7। स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के न्यायिक क्षेत्र में भी आता है। चीफ जस्टिस हैं जय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में असम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। गूगल इंडिया के अनुसार इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक खोजे गए व्यक्ति कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोए बिडेन। गूगल इंडिया ने हाल ही में अपना वार्षिक ईयर इन सर्च परिणाम जारी किया है, जिसने गूगल पर सबसे लोकप्रिय खोजों का उजागर किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस वर्ष गूगल पर सबसे अधिक खोजा गया। IPL साल की टॉप ट्रेंडिंग खोज थी, इसमें कोविड-19 महामारी के बारे में भी खोज शामिल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, अब आपको गूगल के बारे में बताते हैं। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। फाउंडर पर्सन लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। गूगल का ओरिजिनल नाम था बैकरप। जीमेल लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2004 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी कि CPC के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, परमिला जयपाल।
भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी कि सीपीसी का अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। सीपीसी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से पहले जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी। अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सीपीसी रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और असमानता को मिटाने जैसे कामों को प्रमुखता देगा और देश में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये हैं प्रमिला जयपाल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1000 खेलो इंडिया सेंटर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया गया था। इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो उससे भावी पीढ़ियां हतोत्साहित होती हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किसने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबी कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया या नया पुल सड़क और यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2-लेन पुल के स्थान पर बनाए जा रहे 6-लेन पुल का एक हिस्सा है जो कि 138 साल पुराना है। बात करें इस 3-लेन पुल का निर्माण की कुल लागत 266 करोड़ रुपये है। यह पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है। एक बार जब यह 6-लेन पुल पूरी तरह से चालू हो जाता है तो NH 922 और NH 30 पर यातायात को काफ़ी सुगम बना देगा। चलिए अब आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बात करें बिहार का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री फागू चौहान जी, कैपिटल पटना, फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह, फर्स्ट गवर्नर जेम्स शिप्टॉन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है। बिहार का हाईकोर्ट पटना में है। चीफ जस्टिस संजय करोल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बिहार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नासा के मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या है जिसके लिए उसने पहली महिला अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टेमिस। नासा ने 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम जारी किए हैं जो 2024 तक चंद्रमा लैंडिंग मिशन के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। इन अंतरिक्ष यात्रियों में से चंद्रमा पर उतरने वाली पहली महिला को चुना जाएगा। इस समूह में क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर शामिल है जिन्होंने दुनिया की पहली सभी महिला स्पेस वॉक में हिस्सा लिया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कारोलिना अरुजो। वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार यानी कि 2020 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरुजोनो को प्रदान किया गया। उनका कार्य क्षेत्र बायरेशनल ज्यामिति यानी कि बायरेशनल ज्योमेट्री पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य अलजेब्रा प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कारोलिना अरुजो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी बोथ यानी कि बजरंग पूनिया और इला वेनिलिल वल्वरीन। भारतीय एथलीट हुए बजरंग पूनिया जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती और एला वेनिल वल्वरीन निशानेबाजी को वर्चुअली आयोजित 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2019-20 सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों एथलीटों ने अपनी अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। यह खेल उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा खिलाड़ियों को और विभिन्न हितधारकों के योगदान को चिन्हित करने और सम्मानित करने का एक प्रयास है जो पूरे वर्ष उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं बजरंग पूनिया और ये हैं एला वेनिल वल्वरीन। चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश ने भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए आयात निरीक्षण की छूट दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान देश। हाल ही में जापान ने भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प के लिए आयात निरीक्षण को छूट कर दी है। जापान अमेरिका के बाद भारतीय ब्लैक टाइगर श्रिम्प का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यह निर्णय जापान द्वारा निर्यात खेपों को सिंथेटिक एंटी बैक्टीरियल ड्रग फुर्जोलिडोन के किसी भी अवशेष से पूरी तरह मुक्त पाए जाने के बाद लिया गया है। यह पश्चिम बंगाल और केरल से झींगा की खेती और निर्यात को बढ़ाएगा। चलिए आपको डिटेल्स में जापान कंट्री के बारे में बताते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें एम्परर की तो नारुहितो। करेंसी एन, नेशनल डे 11 फरवरी, हाईस्ट माउंटेन है माउंट फिजी। बात करें नेशनल गेम की तो जापान की तो सूमो। बर्थडे ग्रैंड पेजेंट फ्लावर चेरी ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है डाइट। बिगेस्ट लेक है बीवा लेक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में जापान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, BSNL। बात करें भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि NB-IoT को लॉन्च करने के ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस कंपनी स्काई लॉटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। यह पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB-IoT नेटवर्क होगा। यह नया स्वदेशी IoT समाधान स्काइलो द्वारा विकसित किया गया, जिसे भारतीय समुद्रों सहित पैन इंडिया कवरेज प्रदान करने के लिए BSNL के उपग्रह आधारभूत संरचना से जोड़ा जाएगा। इसे शुरू किए जाने के बाद से समाधान मछुआरों, किसानों, निर्माण, खनन और रसद उद्यमों तक बढ़ाया जाएगा। बात करें BSNL के अध्यक्ष और MD हैं प्रवीण कुमार पुरवार जी। भारतीय संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 दिसंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी आधिकारिक घोषणा फरवरी 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और उसी वर्ष पहली बार 12 दिसंबर 2017 यह दिन मनाया गया था। बात करें तटस्थता के बारे में तो तटस्थता को दो देशों के बीच युद्ध में सभी भागीदारी से एक देश के संयम से उत्पन्न होने वाली कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जो जुझारू लोगों के प्रति निष्पक्षता के दृष्टिकोण का रखरखाव और इस अमूर्तता और निष्पक्षता के जुझारू लोगों द्वारा मान्यता गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को 12 दिसंबर 1995 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव 71/275 को अपनाया, जिसमें तुर्कमेनिस्तान की स्थायी तटस्थता को स्वीकार किया गया। चलिए अब आपको दिसंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। बात करें 1 दिसंबर के तो वर्ल्ड एड्स डे और BSF फाउंडेशन डे। 2 दिसंबर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे और इंटरनेशनल बैंक डे। 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे और सिविल एविएशन डे। 10 दिसंबर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन्स डे और इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे 12 दिसंबर को मनाया गया। चलिए चलते हैं किस कल के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ रिवीजन कराते हैं। देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड स्थान योजना को पूरा कर लिया है। इटली के पाओलो रोजी, जो कि स्टार फुटबॉलर थे, उनका 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। बात करें यूनाइटेड किंगडम ने दुनिया में पहला COVID-19 टीका रोल आउट किया है। बात करें कुवैत देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने शेख सफाल खालिद अल सबा को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। यूनिसेफ डे हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया। भारतीय टीम के पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि जी। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तो भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन। चलते हैं
आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर टू था, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी एंजेला मार्केल। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। चीन ने विश्वभर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर टू है आज का, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK Smart Show सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।